अल्हम्दुलिल्लाह आज सबका बंदन मुबारक है और बहुत ही अजीम जो तारीख की वाकियात से आपकी तारीख उनकी जुड़ी है। सबसे पहले तो हुज़ूर बदर का मारका और बाकी का जो अजीम शान मारका था जिसमें से मानों को फताह डाक्टर उनको शिकी से भी वो है और दूसरा उमी सईदा ताहिरा ऐसा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह की इशारे मुबारक की भी ताहिरा आज सबका मुबारक है। आखिर का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मुल मोमिनीन की गुफ्तगू पूरा सलाम लगने की 20 साल के बाद, क्योंकि 15 साल तक आपकी ज़ौजियत में उम्मुल मोमिनीन भी खुदा तआला रही और आपसे बे इंतहा मोहब्बत और इस्लाम से बे इंतहा फ़रोग में आपका हाथ था। जब आपका विशाल हुआ तो आपका कायनात बहुत ज़्यादा बहुत बढ़ने लगे। तो एक दिन आपकी खिदमत में हज़रत ज़ाहिरा तशरीफ लाई ला के अर्ज करने लगी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप निकाह क्यों नहीं फरमाते, आप निकाह क्यों नहीं फरमाते, अगर आप चाहें तो विवाहें भी मौजूद हैं और अगर आप चाहें तो हमारी लड़कियाँ भी हैं। तो आखिर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया अच्छा कौन कौन है, तो बोले विवाह में हज़रत सुल्ला है निजामा और कबारी में आयशा सिद्दीक़ा है। तो अच्छा ठीक काम करो आयशा से बात करके, तो उसे दफौला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर से शुरू करें जाके हज़रत सिद्दीक़ अकबर से कहने लगे कि सिद्दीक़ अकबर आखिर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा ख्याल है। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने हज़रत दफौला से फरमाया वो तो भतीजी होना बोले होता और फिर भतीजी से कैसा निकाह हो सकता है ऐसा। तो सिद्दीक़ अकबर का यह जवाब सुनकर फिर हज़रत दफौला हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई और अर्ज़ करने लगी कि या रसूलल्लाह सिद्दीक़ अकबर का ऐसा ख्याल है। तो आखिर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिद्दीक़ से जाको, सिद्दीक़ मेरे इस्लामी भाई है, सिद्दीक़ मेरे इस्लामी भाई हैं, बच्ची से निकाह जाए। जब जाके आखिर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमान ने सुना है तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर बस सब चश्मा आपने खुली फरमाया और फिर आपने फरमाया अच्छी बात है आखिर जब चाहें तो सिखला सकते। तो इस तरीके से जो है और फिर शादी से पहले निकाह से पहले भी आखिर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं कि हज़रत जिब्रील अमीन ने मेरे पास एक हरी रेशमी कपड़े में हज़रत आयशा सिद्दीक़ का जो लपेट के ला के फरमाया कि रसूलल्लाह ये आपकी दुनिया और आखिरत में ये आपकी बीवी है, दुनिया और आखिरत में ये आपकी बीवी है। तो पहले से आखिरत जो है उसको नहीं मिल गई थी, पहले से मालूम था। बारह निकाह तय हो गया। उस वक्त निकाह के वक्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की सिर्फ 6 साल थी, 6 साल तक। अब मैं एक जो मुशरिकीन जो है मुनाफिकीन जो है जो तंज करते हैं आखिर कहना सवाल जो इत्तेहाम लगाते हैं उसकी वजह यही है, मगर उनकी तफसीलात के जो वाकिफ़ नहीं है। उस ज़माने में जो है तमसीली में जो है आखिरी निकाह हो जा सकता था और वो बाद में विदाई होती थी उस वक्त के लिहाजे। और फिर दूसरी बात अरब की आबो हवा ऐसी थी कि अरब की आबो हवा उस वक्त का 6 साल की लड़की जो है अब आप समझो ये इंडियन जो है 16 साल के बराबर लगती थी, क्योंकि वह आबो हवा वहाँ की ऐसी थी कि खाके पीके तन ताजे मोटे ताजे रहते थे। यानी उम्र मालूम नहीं होती थी कि अच्छे गरीब शहर में रहते थे लेकिन उम्र कम रहती थी। और अब भी देखिए आप बाहर के आप बच्चों को भी देखते हैं कि आप रिश्तेदारों में जो बच्चे बाहर रहते हैं उम्र कम रहती थी, खाके पीके तन ताजे मोटे ताजे रहते। तो दूसरी वजह ये थी। तो निकाह तो हो गया, निकाह जो है कि उस वक्त आपकी उम्र थी 6 साल थी, लेकिन जब विदाई की तकली का मौका आया हिजरत के बाद मदीने शरीफ में विदाई हुई उस वक्त आपकी उम्र शरीफ 9 वर्ष थी, उस वक्त 9 वर्ष थी। अब हमारे शहर हैदराबाद सर इंडिया इंडिया के अंदर जो है हमारे पास यहाँ की जो आबो हवा है यहाँ के लिहाजे जो है खवातीन जो है बच्चियाँ जो है सर गुरुगत तक जो 15-16 साल की बरस पर पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ की आबो हवा के लिहाज से जो है 9 साल बहुत हो गए, उससे पहले भी उस समय गुरुगत तक पहुँच जा सकते थे। ये मुख्तलिफ वजूहत है उसकी, ये मुख्तलिफ वजूहत। बहरहाल जो है 3 हिजरी में आखिर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका जो है अब्दुल मुबारक हो गया
तकरीबन 18-19 साल आका कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत मुबारक में आपको रहने का कुछ शर्फ हासिल हुआ है। जिस वक्त आका कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमाई है, बाज़ रिवायत में आया कि आपकी उम्र मुबारक 18 साल थी और बाज़ रिवायत में आया कि आपकी उम्र 17 साल की थी। तो हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आका कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शहीदी बीवी थी और बहुत सारी खूबियाँ हज़रत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह में ऐसी थी जो दीगर अज़वाज मुतहरात में वो तमाम खूबियाँ नहीं थी। ऐसी खुद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा फरमाया। तो फिर हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, अरब में जितने भी खाने होते हैं उन तमाम खानों के अंदर जो मशहूर खाना था, अब जैसे हैदराबाद की बिरयानी मशहूर है ना, जान लीजिए हैदराबाद की बिरयानी, इससे ज़्यादा हैदराबाद का कोई और दूसरा आइटम मशहूर नहीं है। तो इसी तरीके से अरब के अंदर जो है जो खाने की चीज़ें होती थी सुरेह, ये खाना बहुत मशहूर, तमाम खानों में अफजल खाना था ये। तो कैसे बनता था सुरेह? वो सुरेह जो गोश्त और रोटी से तो बनाते थे, उसका नाम था सुरेह। तो अरब का ये मशहूर खाना सबसे आला और अरफा खाना था। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाते हैं जिस तरीके से तमाम खानों में अफजल सुरेह खाना है, ऐसी तमाम अजवाज में बीबी आयशा सिद्दीका को इस तरीके की फजीलत हासिल है। और फिर हजरत आयशा सिद्दीका बचपनी से क्योंकि आप बचपन ही से जो है इस्लाम में आपने एक पुलिसी थी सरपर के अंदर, जहाँ इस्लाम की इब्तिदा हुई थी, जहाँ इस्लाम का उसी माहौल में आप थी। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिद्दीक अकबर घर में ऐसा आना जाना था जैसे अपने घर में आते जाते, ये खास बात थी। सिद्दीक अकबर से हुज़ूर का हमारे जो ताल्लुक़ था वो इस तरीके का ताल्लुक़ था। तो एक मरतबा था आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा, ज़हीन भी बचपन से था, आयशा सिद्दीका का बहुत तेज था। एक मरतबा बचपन में हम आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा खेल खेल रही है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ ले गए, जब बाहर निकले तो देखे कि आयशा खेल रही है। तो आपने पूछा क्या खेल है? तो उसमें तो आयशा को रज़ियल्लाहु अन्हा हमें घोड़ा था और उसके ऊपर लगे हुए थे, वो घोड़े से खेल रही थी। तो आखा ने पूछा कि आयशा ये क्या है? तो बोले कि ये घोड़ा है। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा से फरमाया घोड़े के तो पर नहीं होते। तो बड़ा जस्ता हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया क्यों? हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम के घोड़े के ऊपर नहीं थे क्या? बड़ा जस्ता कभी नहीं थे। और बात बात कुरान की आयतों की भी जो है आपने जो है इस तरीके से तजरी की है कि सब दीगर बीवियाँ दम रही हैं। हज़रत इमाम ज़ाही रहमतुल्लाह आपके इल्म के ताल्लुक से ये फरमाते हैं अगर तमाम उम्मतुल मोमिन का इल्म और तमाम मर्दों का इल्म एक पर्दे में रखा जाए, हज़रत आयशा सिद्दीका का एक पर्दे में रखा जाए तो आयशा का पर्दा भारी आलिम थी, फकीर थी, आली थी दुनिया, और खिताबत भी ऐसी थी, बलागत भी अभी एकता, यानी हर फन में और इल्म अंसा में भी अब एकता, और ये हड्डियों के जोड़ उसके अंदर भी तिब में भी अब एकता थी। बेशुमार इल्मों के बड़ा दस्त रस्त रखता खा करती थी आयशा सिद्दीका। और इल्म हदीस में तो पूछे नहीं क्या कहते हैं इमाम मुस्लिम शरीफ के अंदर तकरीबन हर हदीस है 90-80% जो है आयशा सिद्दीका की रिवायत करता है हदीस मुस्लिम शरीफ। तकरीबन 2210 अहादीस शरीफा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत करता है। 2210 अहादीस हैं आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत करता है। बहरहाल जो है इमाम मुमिनीन आका कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे इंतहा हुज़ूर कुबरा रज़ियल्लाहु तआला उनके बाद अगर आए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर अब किसी अपनी बीवी को अगर चाहा है तो हज़रत आयशा सिद्दीका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। एक मरतबा अपनी शहजादी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला उनसे खुद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए ऐ फातिमा क्या तुम उस शख्स से तुम जो है मोहब्बत नहीं रखती जिससे मैं ज़्यादा मोहब्बत रखता हूँ? तो रेला सुन ज़रूर रखूँ क्यों रही तो बोले आयशा से ज़्यादा मोहब्बत ऐसा से ज़्यादा कि ये आलम था हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत का। एक मरतबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर जाने के लिए आप अपने नाले में रहे थे और उस वक्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह के चेहरे पर
पसीने के बूंद आ गए थे, क्या कहते हैं, पसीने के बूंद आ गए थे और उसमें से नूर की किरणें फूट रही थी। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला ने वो मंजर देख के मबहूत हो गए, हैरान होकर टिकटिकी लगा के आकाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगी। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना तस्मा जोड़ लिए और जब देखे कि एक हैरत की आलम हैरत में आयशा सिद्दीका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तक रही है, तो आका ने पूछा कि ऐ आयशा, आखिर इतना महवियत के साथ किस चीज़ का तुम नजारा कर रही हो? हज़रत आयशा कहने लगी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना हसीन मंदिर, या रसूलल्लाह जब आप छुप के तस्मा लगा रहे थे, आपकी पेशानी मुबारक पर जो पसीने के बूंद आ गए थे और उसमें से जो रोशनी फूट रही थी उस समय हैरान हो गई थी, और मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि अरब का एक बहुत बड़ा था शायर हज़ली, उन्होंने कुछ शेर कहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शेर उसने आप ही के रह गए। तो बोले आका ने फरमाया अच्छा आयशा सुनो वो शेर क्या था। तो हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ने वो शेर सुनाया, सुनाने के बाद आका कहना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ आयशा, मुझे जिस हैरत से तुम देख के खुश हो रही थी ना, मुझे इससे ज्यादा खुशी उससे हुई जब तुमने मुझे ये शेर सुनाया। तो ये लगाव था आका की मोहब्बत मुमिनीन के साथ इतनी ज्यादा थी। और फिर एक मरतबा ऐसा हुआ कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, हज़रत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा घर में पानी पी रही थी। आका ने फरमाया कि आयशा जरा पानी थोड़ा मेरे लिए भी बचाना, थोड़ा पानी मेरे लिए भी बचाना। बोले हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थोड़ा पानी अपने बचा के पूजा खिदमत में पेश किया, तो आका ने फरमाया कि आयशा तुमने पानी किधर से पिया? आयशा देखिए अभी मोहब्बत का इजहार, अंदाज़ा देखिए मोहब्बत का, किधर से पानी पिया? आयशा कोई असर किधर, तो जिस जहाँ लबे आयशा लगे थे पूजे को, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लबे मुबारक को वहीं लगा कर आपने पानी को, यानी ये चाहत का ये आलम था आयशा को। इसीलिए मैं बोलता हूँ आका ए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर हमको सच्ची मोहब्बत करना है, तो आका ने जिन जिन को चाहा है, उनको चाहना और उनका जिक्र करना बहुत आसान तरीका है। आका ने जिन जिन को चाहा है, जिनका जिक्र किया है, उनको चाहना, उनका जिक्र करना, इससे आका की भी खुशी है। और आका अगर ये वक्त हमारे से अगर खुश होते बोले तो दुनिया भी पा रहे, हमारा आखिरत का बेड़ा भी हम अपने लिए पा रहे। एक बार तो ऐसा हुआ आका उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सफिया, ये भी उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफिया, ये खाना बहुत अच्छा पकाती थी। खुद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है के हज़रत सफिया जो सफिया के हाथ के खाने इतने ज़्यादा अच्छे रहते हैं कि किसी और के खाने से, खुद आयशा सिद्दीका फरमाती है ऐसा। तो एक मरतबा यूँ भी हुआ कि एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला के घर वाली थी, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत तशरीफ आती है, आपके जितने भी अजवाज थे लाइन से बारी बारी एक एक दिन हर अजवाज के पास रहा करते थे। तो हज़रत आयशा सिद्दीका के पास हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वादी थी, आका कहना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीका के घर में तशरीफ थे, तो हज़रत सफिया ने बहुत अच्छा खाना तैयार किया, तैयार करके अपनी खादिमा के लिहाज हाथ से जो है वो खाना जो है भेजा, कहाँ भेजा, हुज़ूर के पास। हुज़ूर उस वक्त थे हज़रत आयशा सिद्दीका के घर में थे। अब जैसे खादिमा दाखिल हुई और वो खाने का बर्तन में प्याला लेके दाखिल हुई और बोली कि या रसूलल्लाह ये हज़रत सफिया ने भिजाया है, तो हज़रत आयशा ज़रा गुस्से में आ गई, आई थी उन्हें भाई आज उसके पास मेरी बारी है, मेरे कहने खाना नहीं, दूसरे की दूसरे खाना नहीं भेजने की क्या जरूरत थी, होती ना ऐसी बात है। खैर उनका तो ये मकसद था या नहीं, तो मकसद बदला हुआ ना, बाहर लाने फोरी क्या किया, गुस्से में आकर जोर से हाथ मारे वो प्याले, तो प्याला नीचे गिर गया और प्याला फूट गया, प्याला फूट गया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठे और वो टूटे हुए जो प्याले थे ना उसको जो है वो टुकड़े तमाम उठाने लगे और वो खादिमा से मुखातिब होकर कहने लगे तुम्हारी माँ को आज गुस्सा आ गया है। क्या फरमाया, तुम्हारी माँ को आज गुस्सा आ गया, लेकिन जरी देर हुई हज़रत आयशा सिद्दीका समझ गई, कहने लगी या रसूलल्लाह मेरे से खुसूर हो गया, बोलने लगे
अब इसका कफारा क्या होगा? मुझसे खुसूर हो गया क्या सलाम, इसका कफारा क्या होगा? तो आका ने फरमाया नया प्याला खरीदिए, फिर खाना पका के उसमें डाल के उनके पास भेजिए, इसका ये कफारा है। तो आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह ने नया प्याला लिया, फिर खाना पकाया उसमें डाल के फिर सफिया के पास पहुँचाया। यानी ये अंदाज मोहब्बत का है, ये अंदाज। एक मरतब ऐसा हुआ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ो, बोले आयशा चलो आज हम आपस में मिलकर दौड़ लगे। देखिए इससे हमको सबक भी मिलता है कि अजवात के साथ पैसा रहना चाहिए। हुज़ूर ने रह के बताया हुआ, अगर हुज़ूर अपनी अजवात के साथ जैसा रहे, अगर आज हम वैसा हम अपनी अजवात के साथ रहे तो घर हमारा जन्नत का नमूना होता है। और अक्सर जो है मर्दों की ज्यादती होती है औरतों के ऊपर, जो घर वीरान हो जाता है। देखिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवात की पूरी सीरत ना पढ़ के लिखी आप, कैसे कैसे मिसालें आपको मिलेंगी, कैसे कैसे आपको वाकयात मिलेंगी, बस हैरान हो जाएंगे आप कैसे। तो आखा कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलो आयशा आज आप तुम हम मिलकर दौड़ लगाएंगे। तो दोनों मिलकर हुज़ूर भी दौड़े, आयशा सिद्दीका भी दौड़े, दोनों भी दौड़े। तो हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुज़ूर से आगे हो गए, हुज़ूर पीछे हो गए। चलो आयशा तुम आज जीत गई बोलने लगी। उस वक्त कुछ जमाना गुजरा, कुछ दिन गुजरे, फिर एक मरतबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो आयशा आज दौड़ लगाएंगे। फिर क्योंकि उस वक्त जिस वक्त पहली दौड़ थी उस वक्त आयशा रज़ी सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दुबले पतले थे, अब जब ये दूसरी दौड़ हुई उस वक्त जिस्म भर गया था, मोटे ताज़ा हो गए। तो जब दूसरी वक्त दौड़ लगी तो आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे हो गए, हुज़ूर आयशा पीछे हो गई। तो आयशा हुज़ूर आगे बढ़ के बोले देखो आयशा उस दिन तुम आगे बढ़ गई थी ना, ये आदमी बढ़ गया, ये बदला पूरा होगा तुम्हारे साथ। हालांकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम फरमाते हैं हम लाख कोशिश करते गुरु से आगे बढ़ने की, हम कितना भी तेज चले तो हुज़ूर से आगे हम बढ़ नहीं सकते। क्या बताऊँ कितने ईमान ताजा हो जाता समझे। बस एक दो छोटे छोटे वाकयात आपसे बताऊंगा। एक मरतबा ऐसा सिद्दीका सलाम आखिर कायनात सल्लल्लाहु जल्दी जल्दी घर में आए, ऐसा सिद्दीका में और कुछ देखे बाहर जाने लगे, ऐसा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ऐसा खड़े लगे इंसान ऐसा दोनों हाथ में लगे ऐसे खड़े हो गए। बोले अरे ऐसा मुझे जरा बाहर जल्दी जाना, बोले नहीं यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज यार सल्लल्लाहु आज आप बहुत खुश लग रहे हैं, बोले क्या मैं चाहती हूँ कि आज आप मेरे बात बात क्या है तुरे अलग आज मेरे लिए आप दुआ फरमा दें, मेरे लिए आप दुआ फरमा दें। अच्छा ठीक है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में क्या क्या करेंगे यार, दुआ करेंगे या अल्लाह मैं आयशा और आयशा के खानदान के तमाम लोगों से मैं खुश हूँ, बोला तू भी इनसे खुश रहे, तू भी इनसे खुश रहे। जब आखा ने यह दुआ फरमाई तो हज़रत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाहि अलैहा हाँ ऐसा लौटने लगी, खुशी से ऐसा लौटने लगी। जब ये मंजर आखा देखे आखा फरमा लगी आयशा मेरी इस दुआ से तुम इतना खुश हो, तो बोले यार सुना हाँ, तो आखा फरमा जब बोल करी आखा फरमा रहा क्यों ना सुनिए आप, ये दिल में पहवस करने का दिन था। आखा कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यार कि आयशा ऐसी दुआ में अपनी उम्मत के लिए रोजाना 70 मरतबा पढ़ूंगा। एक मरतबा तुम्हारे ये तो तुम्हारी खुशी का ये ठिकाना है, बोले ऐसी दुआ में अपनी उम्मत के लिए रोजाना 70 मरतबा पढ़ता हूँ। नारे रिसालत, नारे रिसालत, अल्लाहु रब्बू मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से
आयशा आप जो चाहे मुझसे मांगो तुमको अता किया जाए, आप जो चाहे मांगो आपको अता किया जाए। तो हजरत आयशा से भी अक्सर मांगने लगे कि मैं क्या चीज मांगू, मैं उनकी समझ में नहीं आती। बोले या रसूलल्लाह अगर आप इजाजत दिए तो मैं वाली से मशवरा कर लेता हूँ, अगर आप इजाजत दिए तो मैं वाली से मशवरा कर लेता हूँ। तो आपने दरिया जोर पर आपने इजाजत मत दी, जाओ अपने वाली से मशवरा कर लेता हूँ। अगर आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा जल्दी जल्दी सिद्दीका को धोती सिखनाई, सिद्दीका बोला आयशा तो कैसा नाम हो? तो आपने बोला आपके बाबू कि आप आखिर कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जोश में बोलेंगे। आज आखा ने फरमाया कि आयशा जो माँ को मिलेगा मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि मैं क्या मांगूँगा, आपसे मशवरा करने के लिए आई हूँ। और फिर मैंने आखा से ये भी पूछ लिया है कि मैं अपने वालिद से मशवरा कर सकती हूँ, तो आखा ने इजाज़त दी तो मैं आपके पास हाजिर हूँ। मैं क्या मांगूँ आपसे मशवरे के लिए, कि आप बोलिए क्या मांगूँ मैं। तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि आयशा ये मांगो, आखा से ये सवाल करो कि या रसूलल्लाह जिस वक्त आप मेराज में गए थे, आखाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब सुबह मेराज में गए थे और खास जगह खुदा से जो खास गुफ्तगु हुई थी उसमें भी कोई एक बात बता दीजिए। मेराज के वक्त रब तबरक व तआला ने आपसे जो खास गुफ्तगु फरमाई थी उसमें से कोई एक बात बता दीजिए, या एक बार और महसूस करूँगा जमीन ने सीखे। आका कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खास जगह पर आका की और गुफ्तगू की जो मुलाकात उसमें जो गुफ्तगू हुई 90,000 बातें कितने में 90,000 बातें मुझे जिसमें से 30,000 आका ने सबको बतलाया, 30,000 बातें सबको बताया और 30,000 बातें खास लोगों को बताया और बचे 30,000 को खासों खास को बताया। तो बहरहाल हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि रब से आपकी जो गिफ्तों की जो बातें हुई है वो उनमें से कोई एक बात बता दीजिए। तो ऐसा सिद्दीक अकबर फिर दौड़ते होते सिखलाई लाके आखिर से लेंगे कि रसूलुल्लाह मुझे क्या होना है, मैंने सोच लिया है मशवरा कर दिया है, तो बोले क्या होना? तो कहते थे कि या रसूल अल्लाह वहाँ भी खुरब रब तबरक व तआला ने आपसे जो बातें की है उनमें से कोई एक बात बता दीजिए। अच्छा जब सिद्दीक अकबर ने ये बात बताई तो एक शर्त रखी कि बोले कि देखो मैं इस शर्त पे तुम्हें ये बात बता रहा हूँ कि आका इसका क्या जवाब दे, फिर आके फिर मुझे बोलना। हाँ ये शर्त रखी कि आका इसका फिर क्या जवाब क्या बोलते इसके बाद फिर आके मुझे बोलना। चलिए तब तो आका कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी कि या रसूलल्लाह अल्लाह ताला की हुरमत में आपसे जो हम कलामी हुई इसमें जो गुफ्त हुई इसमें कोई एक बात बता दिए। आका मुस्कुरा दिए बोला सिद्दीक है तो बोले ऐसा शुरू में उसमें की एक बात बता अल्लाह तबरक तआला किसी का दिल टूटा हुआ अगर है वो दिल को जोड़ता है को जोड़ता है तो अल्लाह तबरक तआला उससे राजी हो जाते हैं उसको जन्नत दाता है। टूटे हुए दिल को जोड़ता अगर है खास बात बताऊँ अब बाकी के साथ शर्त थी कि जवाब है फिर आप जवाब आगे बोलना ये जवाब दिया है जो टूटे हुए दिल को जोड़ता है रब तबरक व तआला उससे खुश हो जाता है उसको जन्नत में बगैर हिसाब किताब की जाती है। तो सिद्दीक अकबर और सिद्दीक अकबर रोने लगे। हजरत आयशा हैरान हुई बोलने लगी क्या हुजूर अपन तो हर किसी की मदद करते हैं हर किसी को खुश करते हैं मिसकिनों की यतीमों की विधवाओं की दस्तगिरी करते हैं सब करते हैं तो होने की बात
जब थोड़ा समझे तो कहने लगे बेटा तुमने सिक्के का एक रूप देखा है, तुमने तस्वीर का एक रूप देखा है, दूसरा रूप नहीं देखा। जो शख्स किसी का दिल जोड़ता है तो रब तआला को इतनी खुशी होती है कि उसको जन्नत में दाखिल करते हैं, और जो दिल किसी का तोड़ता है तो उससे कितना खुदा नाराज होगा। तो मुझे डर होगा कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी का दिल तोड़ देंगे। ये फिरासत सिद्दीक अकबर थी और ये हज़रत आयशा का कमाल। और बेशुमार आयतें तैमूम की जो आयतें हैं, तैमूम आयतें आयशा सिद्दीक कह के सफाई है, तैमूम की जो आयतें नाज़िल भी है, तफ़सीलात बहुत है। बहरहाल जो है आज का मौजू था हज़रत आयशा सिद्दीक सलाम अलैहा ले गया। चंद बातें आपसे बिल्कुल मुख्तसर के साथ चंद बातें आपको बंदोबस्त कर दिया। बहरहाल आपको हम जो है बस एक ही जुमला कर हमेशा ये याद रखना, आका जिन जिन से मोहब्बत करे उनको कसरत से चुनको चाहना और हमेशा उनका जिक्र उनकी फिक्र में रहना, यही आका ही कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनीति का वाइज और हमारे नजात का जरिया है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आया आ गई वसल्लम की अपना ऊपर में नहीं था जिसम लावी वो तो वही ना भी मकान तो लावी रहीम और बना तो कब में नसला का वसीम और किया और वाहशुर ना थी जो मत के लिए लनाम अल्लाह हम यह सब कल फ़ारा थी यह सब अल्लाह फ़ायद की दीनी को दीनी लाकिरा तब फ़ना मुस्लिम और हिसान शाहिये अल्लाह मर बना दिल नहीं ना रहमतन وراحتا وبركتا دوسرے پر سلامت و عافیہ وفضنا من کل بلاء الدنیا و عذاب الاخرہ وانك الحافظین وفر لهم للمؤمنین والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم الله انك سميع قريب مجيب الدعوات صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه